हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं पॉलिएस्टर फाइबर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में लेके आया हूँ। बराबर, तो आज हम समझेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिएस्टर फाइबर के बारे में। बराबर, तो पहले हम पॉलिएस्टर फाइबर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। बराबर, बाद में उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। बराबर, पॉलिएस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट मैनमेड फाइबर। पॉलिएस्टर क्या है? एक इंपॉर्टेंट मैनमेड फाइबर है। पॉलिएस्टर कैसा फाइबर है? मैनमेड फाइबर। बराबर, पॉलिएस्टर इज प्रोड्यूस विद द लॉन्ग चेन सिंथेटिक पॉलीमर विद एस्टर। बराबर, पॉलिएस्टर कैसे बनता है? तो यहां पे लिखा है पॉलिएस्टर इज प्रोड्यूस विद द लॉन्ग सिंथेटिक चेन। बराबर, कौन सी? लॉन्ग चेन सिंथेटिक पॉलीमर विद एस्टर। जो एस्टर ग्रुप रहता है, बराबर, उसमें कौन सी चेन होती है सिंथेटिक पॉलीमर की, जिससे पॉलिएस्टर बनता है। बराबर, पॉलिएस्टर इज प्रोड्यूस बाय मेल स्पिनिंग प्रोसेस। अब पॉलिएस्टर कैसे बनाते हैं हम? मेल स्पिनिंग प्रोसेस से। बराबर है, ये मैनमेड फाइबर की स्पिनिंग प्रोसेस है, जो है मेल स्पिनिंग प्रोसेस। बराबर, तो पॉलिएस्टर हम किससे बनाते हैं? मेल स्पिनिंग प्रोसेस से। बराबर, अब हम क्या समझेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिएस्टर फाइबर। बराबर, तो यहां पे लिखा है लाइक द कॉटन और अदर फाइबर, पॉलिएस्टर फाइबर कंसिस्ट ऑफ सम इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या करता है वो? कैसा है? लाइक कॉटन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। वो कैसा है? लाइक कॉटन। तो हम उसको क्या कर सकते हैं? अप्रल बनाने में उसे यूज कर सकते हैं। बराबर है, और अदर फाइबर से भी उसे कंपेयर किया जा सकता है। बराबर, तो हम पहली फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं उनकी। तो पॉलिएस्टर फाइबर की पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? टेनासिटी। टेनासिटी किसके बीच है? तो हम समझते हैं 5 to 7 ग्राम पर डेनियन। बराबर, टेनासिटी कितनी रहती है पॉलिएस्टर की? 5 to 7 ग्राम पर डेनियन। अब हम चलते हैं दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। इलोंगेशन एट द ब्रेक कब होता है? 15 to 30% क्या होगा? इलोंगेशन होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? वो ब्रेक हो जाएगा। बराबर, तो वो था इलोंगेशन एट ब्रेक। बराबर, अब तीसरा क्या है? इलास्टिक मॉड्यूल कितनी है? 90। कितनी है इलास्टिक मॉड्यूल उसकी? कितनी है? 90। बराबर है, और इलेक्ट्रिसिटी उसकी क्या है? 90 होगा तो ये क्या होगा? उसकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? गुड होगी। बराबर, मॉइस्चर रिगेन, उसका मॉइस्चर रिगेन वैल्यू क्या था? कैसा है? सबसे कम ये सोचता है, तो मीन वो सोचता है पानी को। बराबर, तो कितना परसेंटेज सोचता है वो? 0.40%। वो ज्यादा वो आप पानी में डालेंगे तो वो क्या होगा? पानी 0.40% को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी का वो एब्जॉर्ब पानी को नहीं करेगा। बराबर, अब हम चलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 1.38। कितनी है? 1.38। बराबर, मेलेटिंग पॉइंट मतलब क्या है? जो यहाँ पे डिग्री दिया गया है, कितनी दिया गया है? 250 डिग्री। अगर टेम्परेचर 250 डिग्री से ज्यादा हो गया तो समझ लो क्या हो जाएगा? वो पॉलिएस्टर क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, जल जाएगा। बराबर, तो उसका मेलेटिंग पॉइंट क्या है? 250 डिग्री सेंटीग्रेड। बराबर, एबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फंक्शन। अब उसकी फंक्शन प्रॉपर्टी कैसी है? तो क्या लिखा है? एक्सीलन। क्या है? एक्सीलन। बराबर, कलर उसका कैसा है? व्हाइट। बराबर, लाइट रिफ्लेक्शन एबिलिटी, जो आप उसमें लाइट डालते हो तो उसका रिफ्लेक्शन कैसा मिलता है? तो कैसा मिलता है? गुड मिलता है। बराबर, लस्टर उसका क्या होता है पॉलिएस्टर फाइबर का? ब्राइट। कैसा होता है? ब्राइट। बराबर, अब हम कौन क्या समझेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिएस्टर फाइबर। बराबर, तो हम शुरू करते हैं, पहले कौन सा लेते हैं केमिकल? एसिड। क्या लेते हैं हम? एसिड।
गुड रजिस्टेंट टू द एसिड इन कोल्ड कंडीशन. बराबर, एसिड कैसा होगा, कोल्ड कंडीशन होगा तो वो क्या देगा, गुड रजिस्टेंट टू द एसिड. बराबर, अगर बट पॉलिएस्टर डिग्रेड बाय द H2SO4 एट हाई टेम्परेचर. अब हाई टेम्परेचर आप H2SO4 है वो पॉलिएस्टर उसमें डालोगे, बराबर है, तो वो क्या हो जाए, डिग्रेड हो जाएगा. बराबर, वो काम का नहीं रहेगा. दूसरा क्या है, बेसिक एसिड था, अब क्या है, बेसिक गुड रेजिस्टेंट टू द बेजिंग इन कोल्ड कंडीशन. अगर वो गर्म नहीं होगा, कोल्ड कंडीशन में होगा तो वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा पॉलिएस्टर फाइबर को. बराबर, बट स्ट्रॉन्ग NaOH डिसॉल्व द पॉलिएस्टर इन बॉइलिंग. बराबर, जब आप स्ट्रॉन्ग NaOH यूज करेंगे एट हाई टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा, पॉलिएस्टर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा. तीसरे चलते इफेक्ट ऑफ ब्लीचिंग. अब ब्लीचिंग का इफेक्ट क्या होगा पॉलिएस्टर पे, तो यहाँ दिखा है लिखा गया है, पॉलिएस्टर डज नॉट अफेक्टेड बाय द ब्लीचिंग प्रोसेस. पॉलिएस्टर जब आप ब्लीचिंग करेंगे तो उसको कुछ कोई इफेक्ट नहीं होगा. बराबर, कब चलते हैं चौथे पर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. क्या है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डज नॉट अफेक्ट ऑन द पॉलिएस्टर. बराबर, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रहता है वो क्या होता है, अब यूज करते हो वो पॉलिएस्टर को अफेक्ट नहीं करता, नुकसान करता नहीं है. बराबर, अब हम चलते हैं पांचवे पॉइंट की ओर, द प्रोटेक्शन एबिलिटी अगेंस्ट द मिल्ड्यू कैसी है, गुड. कैसी है, गुड. बराबर, प्रोटेक्शन एबिलिटी अगेंस्ट द इंसेक्ट वो भी कैसी है, गुड. मॉलिल भी गुड है, इंसेक्ट भी क्या है, गुड है. बराबर, अब हम सातवे पॉइंट की ओर चलते, वो कौन सा है, डाई. बराबर, द पोलिएस्टर कूड बी डाई विद द डिस्पर एजोइक कलर एंड सम पिगमेंट. पोलिएस्टर फाइबर को आप जब डाई करते हैं, बराबर, तो वो कैसा है, कौन सा डाई यूज होता है जैसे उसपे इजिली डाइंग हो सके और अपने को गुड डाइंग एबिलिटी मिले, तो आप कौन कौन से यूज करेंगे पोलिएस्टर फाइबर के लिए. तो पॉलिएस्टर फाइबर के लिए डिस्पर डाई यूज होता है, एजोई कलर यूज होता है या सम पिगमेंट यूज होता है पॉलिएस्टर को डाई करने के लिए. बराबर, अब क्या दिया गया आठवां पॉइंट, सॉल्वेंट ऑफ पॉलिएस्टर. बराबर, जो पॉलिएस्टर को डिसॉल्व कर देता है, सॉल्वेंट कर देता है, वो इधर तीन केमिकल दिया गया है, वो क्या है, क्लोरोनेटेड हाइड्रोकार्बन. कौन सा है, क्लोरोनेटेड हाइड्रोकार्बन एक है. दूसरा क्या है, F3COOH. बराबर, ये भी केमिकल क्या करेगा, उसको सॉल्वेंट बना देगा. फिनोल भी क्या करेगा, पॉलिएस्टर को सॉल्वेंट बना देगा. बराबर, अगर आपको मेरा वीडियो देख के आपको टेक्सटाइल पॉलिएस्टर के बारे में आपको अच्छा नॉलेज मिला है तो इसे जरूर शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. थैंक यू.